वाओ नाइस। अरे जॉनी है तो बनेंगी ना, जॉनी 2.0 है, जॉनी 2.0। थैंक यू। अपग्रेडेबल अपग्रेडेड वर्जन जॉनी का। अरे मैंने उसको बोल दिया सनकी को, मैं कहा कोई पेड कर रहा है तो करने देना, कर दो 300 एडवांस। ये तो कर ले एडवांस। टीम मोड से आ जाओ फटाफट विकेश भाई। जब मेरे को पता चल चुका था मैं कुछ भी कर लूं अभी ये गेम मैं जीत नहीं सकता। गेम का परवाह नहीं था, यहाँ पे परवाह था तो मेरे सिर टिया भी। लेट्स गो। ये ताज ऐसे ही नहीं लगा रखा भाई। मेरा मानना यह है कि जीतने वाले का कहानी तो हर कोई सुनना पसंद करता है, हारने वाले का कहानी कोई नहीं सुनता है। आज का ये टीडीएम चैलेंज, हम हार चुके थे, यकीन नहीं हो रहा है। यकीन करना थोड़ा सा मेरे डीआरबी के लिए मुश्किल हो भी सकता है, पर सच बताऊं तो ये गेम हम हार चुके थे। रीजन का कोई सीन नहीं होता है इसमें, हार होता है या फिर जीत होता है, कैसे ये कहानी का शुरुआत होता है इसके बारे में बात करते हैं। सुबह से शाम बस से वीडियो एडिटिंग किया, सडनली थोड़ा सा बोर फील हो रहा था एडिट करते करते, तो मैं बैठ के यूट्यूब देखने लग गया और यूट्यूब में मेरे को जॉनी का नाम सुनाई दिया, तो मैं गौर से थोड़ा सा स्ट्रीम देखने बैठ जाता हूँ। भाई क्या बोल रहे थे सुनते हैं। जॉनी बनने जा रहा, अरे अरे वाओ नाइस। अरे जॉनी है तो बनेंगी ना, जॉनी 2.0 है, जॉनी 2.0। थैंक यू। अपग्रेडेबल अपग्रेडेड वर्जन जॉनी का। भाई यहाँ पे स्ट्रीमिंग कर रहे थे मुझसे और बात कर रहा जा रहा था यहाँ पे जॉनी 2.0 का। वो भाई बोल रहे थे कि वो जॉनी का अपग्रेडेबल वर्जन है, और समझ रहे हो अपग्रेडेबल वर्जन कितना तूफानी होता है। और यहाँ पे अलग भी सुनो ना, मेरे को तो लग रहा है वो लोग जो बात कर रहे थे ना, 5 साल में एक बंदा आने वाला है जो फाड़ के रख देगा सबको, वाले तुम ही लग रहे हो मेरे को। मोटिवेशन तो है। 5 साल कौन सा टॉपिक पे ये लोग बात कर रहे थे, फिर उनका शॉर्ट्स मेरे को दिखता है ये बारे में वो लोग बात कर रहे थे। अगले 5 साल में आई थिंक एक इनका जैसा और आएगा जो अभी एग्जिस्ट भी नहीं करता। जॉनी का अपग्रेडेबल वर्जन के साथ गेम खेलने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला था, तो मैं तुरंत ही चैलेंज दे देता है। मैं सोचता नहीं कि मैं नहीं खेल रहा है, सुबह से चैलेंज दे दिया। देखो बिग फैन भाई, न्यू सब्सक्राइबर है आपका भाई, बोले तो मानूंगा क्या, न्यू सब्सक्राइबर। अरे क्या हालचाल है विकास भाई, विकेश भाई क्या हालचाल? बढ़िया बढ़िया, हालचाल मस्त है भाई। आई हैव अ चैलेंज फॉर यू, लेट्स प्ले अ 1v1। पहले एक काम करो, एडवांस मेरे को 500 कर दो। और सनकी क्यों कर रहा है, सनकी क्यों टाइम आउट दे रहा है यार, रुक तो जा, बात तो करने दे, क्या पता अगला कर रहा हो। 3v1 के लिए मत वो कर दिया करो टाइम आउट, लेकिन जो बंदा कह रहे हैं ना चैलेंज दे रहे उससे बात तो करने दो। जब तक भाई के साथ बात होता उनके मॉडरेटर ने दे दिया हमें टाइम आउट, मेरे को बहुत बुरा लगा, फिर दिल पे पत्थर रख के हमने फिर न्यू आईडी से आया, फिर बात किया भाई के साथ, भाई कर लो यार, इस बार हम भाई को सीधे ही एडवांस पेमेंट कर देते हैं। और फिलहाल तो, अरे मैंने उसको बोल दिया सनकी को, मैं कहा कोई पेड कर रहा है तो करने देना, कर दो 300 एडवांस। टीम कोड से आ जाओ फटाफट विकेश भाई। फिर भाई हमें उनके टीम में बुलाते हैं, हम आ जाते हैं। यहाँ पे माइंड में मेरा एक खतरनाक सा आइडिया था, मैं सोचा क्यों ना थोड़ा सा लड़की बन के इनके साथ प्रैंक किया जाए। आ गया। अरे ठीक है भाई, खेलेंगे। एक काम करना ओमेगा, इसको ओपी भाई को ऐड करके ना हम दोनों को बुला देंगे। रूम स्टार्ट कीजिए ना। हाँ ठीक है ठीक है, लड़की पहले की तो बेइज्जती हो जाएगी भाई ना। और बाद में हम पॉइंट को फिर से अपने झोली में डाल के जीत जाएंगे, भाई को भी लगेगा लड़की कैसे डूब है, बाद में फिर से भाई को लगेगा लड़की कितना प्रो है, फिर हम बताएंगे हम सो भी। पर यहाँ पे सब कुछ उल्टा पड़ गया। Team has scored. Way nice. Cover me.
नाइस। स्टार्टिंग के फेज में अंदर रस्ट कर करके काफी ज्यादा पॉइंट यहाँ पे लूज हो चुका था। जब मैं रियलाइज किया कि काफी ज्यादा ओपोनेंट का पॉइंट हो चुका है, अभी तो टाइम आ चुका है कि कुछ भी करके कमबैक करना पड़ेगा, नहीं तो गेम हाथ से गया। तब तक भाई लेट हो चुका था। ओए एक एचपी लिटरली। अगर यहाँ पे आप अच्छे से नोटिस कर पा रहे हो तो भाई यहाँ पे बिल्कुल भी पुश नहीं कर रहे थे, पूरा का पूरा कंटेनर के पीछे रह रहे थे और मेरे को फुल ऑन रस करना पड़ा था, वो भी घर के अंदर तक। और इस पे काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था और देखते ही देखते यहाँ पे गेम एक तरफा होने लगा था। इस टाइम पे बस मेरे को डीआरबी का ख्याल आ रहा था, जो मेरे को इतने टाइम से सपोर्ट करते हुए आए, जो मेरे को कभी हारते हुए देखना पसंद नहीं करते। ऑलमोस्ट मैं ये गेम हार चुका था, फिर भी मैं यहाँ पे हार बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। जितना मेरे से हो सकता था मैं अपने आप को पुश कर रहा। एक टाइम ऐसा आया जहाँ में मेरे को पता चल चुका था मैं कुछ भी कर लूँ अभी ये गेम मैं जीत नहीं सकता। गेम का परवा नहीं था, जहाँ पे परवा था तो मेरे सिर्फ ये ताज ऐसे ही नहीं लगा रखा भाई। यहाँ पे मैं जो सोच के आया था उसका पूरा का पूरा उल्टा पड़ चुका था गेम, और मैं यहाँ पे किसी को यकीन नहीं दिला सकता कि ये मेरा बेस्ट गेम प्ले था ही नहीं। यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में अंधा रस कर रहा था और मैं सोच रहा था कि बाद में पॉइंट फिर से मैं ले लूंगा, इतना तो कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर था। भाई ने यहाँ पे होल्ड स्ट्रेटेजी अप्लाई किया और मेरे को पूरा का पूरा पुश करना पड़ा और लास्ट में पॉसिबल नहीं हो पाया कि कमबैक हो जाए। बट ऑलमोस्ट हमने कमबैक तो कर लिया था, पर पूरा का पूरा कमबैक नहीं हो पाया। गेम तो जो भी हो एलेक्स भाई ने जीत लिया यहाँ पे। फिर मैं सोचा कि हर बार की तरह फर्स्ट गेम हम थोड़ा सा ऐसे ऐसे खेलते हैं, बाकी यूट्यूबर के साथ भी आपने देखा होगा, और सेकेंड गेम प्ले में अपना बेस्ट ट्राई करते हैं और बंदे को तोड़ने की कोशिश किया जाता है। पर इस बार भी मैंने वही स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, फिर से लड़की के वॉइस में बात किया भाई के साथ। एलेक्स भाई को कोई हरा सकता है क्या? बोलना मत बोलना मत, कैप्स वाले माइक ऑफ मुझे। अरे ओपी ओपी ओपी, नाइस 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 नाइस। अरे मस्त खेला। हेलो ओपी ओपी भाई, मस्त खेला भाई। अच्छा कुछ भी बोलो भाई, ओपी मस्त खेला। हां दे दिया भाई, उसने सीन दे दिया ओपी ने, बढ़िया खेला भाई लोंडा। थैंक यू सो मच। एक और गेम खेले क्या? नहीं 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 नहीं, एक ही रूम की बात हुई थी। पर अनफॉर्चूनेटली भाई ने यहां पे सीधा मना कर दिया भाई, और गेम नहीं खेलना है। I don't know why, but आज तक कोई यूट्यूबर ऐसा मना नहीं किया। लगता है ये यूट्यूबर है भाई। अगर तो लड़की थी तो बहुत सही, बहुत सही खेली भाई, बहुत सही। अरे लड़की लोग भी क्या ही खेल रहे हैं भाई साहब, उसी को देख लो। अरे ये एक मिनट एक मिनट, ये वो यूट्यूबर है क्या? मेरे को लग रहा है सोविक डी तो नहीं है, कंटेंट के चक्कर में है। शायद तक भाई को पता भी चल चुका था कि मैं सोविक डी हूं, उन्होंने स्ट्रीम में बार बार मेंशन किया कि ये सोविक डी है, ये सोविक डी है।
तो आई गेस यहाँ पे मना तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता है कि मैं सोबिक हूँ तो खेल लेना चाहिए था। भाई को कुछ पेमेंट और करना था यहाँ पे, मैं सोचा एक और गेम खेल लेते हैं और भाई को कुछ अच्छा रिवॉर्ड देते हैं एक साथ, पर तब तक यहाँ पे लेट हो चुका था। भाई सीधे मना कर देते, भाई खेलना नहीं है और कुछ भी करके नहीं खेलना। पर यहाँ पे स्ट्रीम में उन्होंने बार बार मेंशन किया कि ये सोबिक डी है, ये सोबिक डी है, ये सोबिक डी है, 100% ये सोबिक डी है। और अगले दिन भाई ने एक वीडियो भी रिलीज कर दिया, सोबिक डी भाई के साथ मैंने 1v1 किया, हरा दिया। तो इस वाली वीडियो में भाई मेरा और सोबिक डी का 1v1 होने वाला है, जिसमें मैं जीतता हूँ। उनका शॉर्ट्स में एक और स्ट्रीमर्स को भी मार के ताज पहनने वाला वीडियो आता है। 1v1 करने वाले अपने एलेक्स भाई के साथ। हाँ विराट भाई, क्या करना, मारना है क्या करना है, छोड़ना है, मारना है भाई। ये ताज ऐसे ही नहीं लगा रखा भाई। मैं सोचा भाई ये मेरा बेस्ट गेम प्ले नहीं था और ये गलत सीन बन चुका है और मेरे डीएम भी डिसअपॉइंट हो सकते हैं इससे। देन आई रियलाइज कि भाई को और एक बार चैलेंज देना पड़ेगा और अपना दिखाना पड़ेगा क्या सिस्टम है। यू भी हो, मैं उनके स्ट्रीम में फिर से जाता हूँ और इस बार चैलेंज देता हूँ। भाई तगड़े तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस ड्रिल्स वगैरह कर रहे थे और तुम्हारा भाई भाई ड्रिल्स करना भूल गया भाई, सदी हो गया। भाई को देख के यहाँ पे थोड़ा सा गला सूख रहा था। एक बार जो भी हो जैसे भी हो अब हार चुके थे और भाई यहाँ पे खतरनाक टीडीएम प्लेयर भाई सीधे डिब्बे के पीछे रहते हैं। इस बार भाई क्या होगा मेरे को नहीं पता था और इस बार मैंने फिर से चैलेंज दे दिया। आपका सोबिक डी के साथ 1v1 देख के मैं फैन हो गया भाई, हमारे साथ भी कर लो 1v1, ये बोला मैंने। देख के फैन बना, मुझे भी एक 1v1 करना है। अच्छा अमन भाई ठीक है, करेंगे अमन भाई के साथ करेंगे, भाई ने सुपर चैट किया तो करेंगे। ठीक है अभी करते हैं। थैंक यू फॉर 179 बाय द वे मेरे भाई। एक लास्ट 6x की ड्रिल और कर लेता हूँ फिर आता हूँ। ठीक है अमन भाई के साथ 1v1 देखने के लिए रुक भाई जब ओके भाई रिक्वेस्ट डाल दो। गाइस थोड़ा रुको, मेरे को मेन आईडी से आने दो। अमन भाई आपकी प्लीज़ मेरे को आईडी बताओ किस नाम से है, उस हिसाब से मैं आपको करूँगा ऐड, वरना कोई और हो गया ना सीन हो जाएगा। ठीक है अमन, ओके अमन छोटा जोनाथन मोड ऑन करो। हाँ अभी करते रुको, आ जाओ। और इसके बाद ये खतरनाक सा टीडीएम शुरू होता है। क्या अगर भाई को हरा देते हो, इज्जत बचा देते हैं, तो क्या आप सब्सक्राइब करोगे, सपोर्ट करोगे मिलियन करने का, बताना यार। अभी देखो गेम, देखो गेम, मजे लो। For the red team. Clear. They're killing that. Reloading. Enemy down. Nice. भाई क्या हिल रहा है लुंडा। अब जाके पहला पॉइंट हुआ है। अबे भाई
टॉपिक डी है ये तो है, टॉपिक डी है ये तो। ओए होए 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 दो ऐड के बाद भी नहीं मारता है। The red team doesn't have a lot of time left. मर्रा क्यों नहीं है, देख रहे हो मर भी नहीं रहा है। यही हो पल है डियर, जहाँ पे एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना चाहिए। करोगे ना डियर, हो ना मेरे साथ। जैसे तैसे करके भाई के ताज को निकाल के अपने सिर में डाल के फाइनली हक के साथ बोलेगा, फाइनली हमने पूरे टीडीएम के ऊपर झंडा काट दिया है। नाइस खेला वेल लोंडा, टीडीएम फुल टीडीएम प्लेयर है। अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया खेल रहे ये तो, टीडीएम प्लेयर है लोंडा। फिर अब उनके चैनल पे जाते हैं, सीधे सुपर चैट करते हैं और बताते हैं कि अपन सो बिग डी भाई है। वेल प्लेड जीजी, कीप ग्रोइंग भाई। मैं अबे सो बिग डी ही था भाई, सो बिग डी भाई, सो बिग डी भाई। हां जी भाई, हां जी हां जी, हां ना सुपर चैट चले बाल चाल। अरे अब तुम ये अपलोड करोगे ना, अब ये तुम अपलोड करोगे बेइज्जती होगी। अरे भाई बेइज्जती ना होगी तुम्हारी भाई, अब मेरे छोटे भाई हो, बड़े भाई के साथ खेलने से क्या बेइज्जती भाई। छोटे भाई तो सपोर्ट करेंगे फुल डीआर में, उम्र के हिसाब से तगड़ा खेलते हो भाई, ऐसे ही नाम रोशन करो, बढ़िया खेलते हो, मजाक सर। तो भाई कल की वीडियो में आ गए, तो भी डी भाई अपना बदला ले गए, अपने बदला लिया है मेरे को पता है। बदले की बात ना है भाई, आप उस दिन नहीं खेले हमारे साथ, अब उस दिन ऐसे ही खेल रहे थे, आपने नहीं खेला हमारे साथ, एक बार खेल लेते तो उस दिन हमारा कंटेंट पूरा बन जाता, आधा बना के रख दिया आपने। पर कोई ना, छोटा भाई है आपका चैनल, हमारा चैनल, हमारा चैनल आपका चैनल, कोई दिक्कत ना है। बिया भी अलेक्स भाई को फुल सपोर्ट करना, ऐसे ही नाम रोशन करो आप। भाई ने अपने चैनल पे वीडियो डाला था और मेरे डीआर भी उधर बोल रहे थे भाई कैम करके खेल रहे, ये मत बोलो यार, ऐसे मत बोला करो, छोटा भाई है और ऐसे बोलोगे तो थोड़ी ना अच्छा लगता है। और सपोर्ट करो भाई को, मोटिवेशन दिलाओ यार, खेल रहा है बढ़िया खेल रहा है, आगे बढ़ेगा, सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट मिलेगा। हमें भी कर देना थोड़ा सा सपोर्ट, हमें भी मिलियन जाना है, बाकी आपकी मर्जी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आई विल बी बैक ऑन अ वीडियो एज़ सून एज़ पॉसिबल।